बीकानेर में रेलवे ग्राउंड में इंडोनेशिया के बाली से आए कलाकारों के द्वारा मंचित की गई रामलीला ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला बेहद सुंदर से दिखने वाले कलाकारों और उनके द्वारा मंचित रामलीला में किया जा रहे संवाद अपने आप में अनूठे से नजर आ रहे थे। इन कलाकारों की रंगीन वेशभूषा और कुछ चमक नमक देखने में भी कुछ और लग रही थी। यह प्रयास था रामनवमी के अवसर पर लोकतंत्र के महापर्व 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का। इस कार्यक्रम का आयोजन संभवतः ट्रस्ट के द्वारा किया गया। इसके मुख्य आयोजक पुनीत शर्मा ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता को मतदाता के लिए मतदान के लिए जागरूक करना। योग गुरु नवीन मेघवाल के द्वारा योग किया गया। उसके बाद इंडोनेशिया से आए इन कलाकारों ने रामलीला का मंचन कर सबका मन मोह लिया। बीकानेर से एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया और बातचीत की इंडोनेशिया से आए कलाकारों से। बीकानेर में एक शानदार कार्यक्रम का आगाज हुआ आज और रामनवमी के अवसर पर इंडोनेशिया के कलाकारों ने बहुत ही शानदार पेशकश दी। बात करेंगे आयोजक नवीन मेघवाल से, जो कि खुद नवीन द हीलर और बड़े योग गुरु हैं। क्या कहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और लोगों ने बहुत एंजॉय किया और इंडोनेशिया से जो कलाकार आए उनका एक मकसद ये था कि हम राम का चित्रण भारत में करें और जिस तरह से हमने राम को देखा है, हमारी संस्कृति राम से विकसित हुई है और हमने राम से बहुत कुछ सीखा है, ये मैसेज और ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के कलाकार यहाँ आना चाहे या नहीं आना चाहे वो तो एक अलग बात है, वहाँ तक यहाँ तक के बीच में जो संवाद की बात करें वो बड़ी बात है। उसके लिए क्या कहेंगे, कैसे संभव हुआ? इनमें से कुछ मेरे स्टूडेंट हैं और कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आए, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से मतदान हमारी मुहिम से जुड़े और रामायण के द्वारा ध्यान से मतदान का संदेश दें। उन्होंने मेरी बात मानी और इनको फिर हमने टिकट करवाया, सब करवाया और उनको यहाँ बुलाया और इन्होंने मेरी बात अक्षर अक्ष मानी। जहाँ मैंने बुलाया इनको वहाँ आए, डूंगरगढ़ में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी। देखिए आयोजक है, बात करते हैं हम, पुनीत जी बताएं क्या कहेंगे। सर, बीकानेर में नवीन जी का जो एक आइडिया था रामनवमी के पर्व पे, बीकानेर पूरा शहर साक्षी बना रहा लीला का। इंडोनेशिया से कलाकार आए, किन्नर समाज आए, आई थिंक विश्व में ये पहला ही इस तरह का मौका था जब दोनों एक मंच पे रामलीला और किन्नर साथ में उन्होंने पूरे बीकानेर शहर को योग कराया, रामलीला की प्रस्तुति दी। कहीं ना कहीं मैं बीकानेर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके शिरकत की और हमें इस योग के समझा। तो देखिए इस रामायण में मुख्य किरदारों में से एक हनुमान जो कोरियोग्राफर भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाली से हैं। Where are you from, sir? I'm from Bali. Bali. Okay. What do you say about Hanumana? Actually, I do character of Hanuman. Hanuman is very strong and very powerful to receive messages from Rama to Sita when he Sita in Alenka. Through that message also, they are doing bhakti to Rama also. The symbolize of bhakti is Hanuman. तो देखिए जैसे कि तमाम कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहा है, ये भी बाली के कलाकार देख सकते हैं। ये लोग हैं, बाली से हैं। Where are you from? We are from Bali, Indonesia. Okay. Would you say about what type of character of you? I'm Sita. You are Sita. As a play for so Sita. Thank you so much. So, okay. Would you say about in Sita character? So for me it's honorable for me because I can play for a Sita, so I can explore and yet in Rama and Supanaka all the things best experience for us. What do you say? What's your name? My name is Savitri. Savitri. Yes. What's character play? Surpanaka and Trijata. Surpanaka. Yes. And Trijata. Trijata. Yes. Okay. What do you say about today's Bikaner experience? So nice, and this is my new experience because the many people watch we are, and then yeah, bahut acha. What's your name? My name is Nyoman. Ramayana is like a very very famous in Bali because we are still preserved about the culture and also we believe our ancestor is from India long time ago. यहाँ पर जो रामनवमी के अवसर पर जो ध्यान से मतदान कार्यक्रम के दौरान जो रामनवमी का एक तरह से रामायण का जो यहाँ आयोजन किया गया उसको हमने दिखाने की कोशिश की। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर।